जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार यात्रा विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किम्स आईपीओ के यहाँ पे लिस्टिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। लेकिन देखा जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में किम्स के आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसमें एक बड़ा इजाफा यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है उनको लॉटरी लगते हुए आपको देखने को मिल सकती है लिस्टिंग डे की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त लिस्टिंग ये कंपनी यहाँ पे दिखा सकती है। एंड वहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। उसके साथ साथ दो टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी देखेंगे, तो उनको लिए भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप डोडला डेयरी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि मतलब उनकी लिस्टिंग कैसी रह सकती है कैसी नहीं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा। यहाँ पे मैंने कल उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अपलोड की थी जो कि अच्छी खासी यहाँ पे लोगों ने देखी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे दोस्तों, स्क्रॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि डोडला डेयरी से रिलेटेड यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड की है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जो लोग केवल लिस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे बातें जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए कैसे लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखा सकती है, वो सभी बातें यहाँ पे हमने बताई है। एंड एक और बात आपको बता दूं कि अभी तक की जितनी भी आईपीओ के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया है, जैसा हमने वहाँ पे बोला है वैसा ही हमको वहाँ पे देखने को भी मिला है दोस्तों। जी हाँ, ये आप चाहे तो मेरी किसी भी वीडियो में यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि जैसा हमने आईपीओ में बोला है वैसा ही यहाँ पे हमको होते हुए देखने को मिल गया है। रिलेटेड से रिलेटेड भी एक खबर थी, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इंडिया मार्ट से रिलेटेड जो लोग डरे हुए हैं उनके लिए भी एक शानदार वीडियो यहाँ पे हमने 14 मिनट का बनाया है, अगर आप पूरा देखिएगा तो यहाँ पे जो भी लोग डरे हुए हैं उनका डर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करें। सो इस वीडियो को स्टार्ट हम यहाँ पे आईपीओ के टाइम टेबल से करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16 से 18 यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट आपको देखने को मिल रही थी। एंड यहाँ पे 28 तारीख को सीधा यहाँ पे लिस्टिंग हमको देखने को मिल जा रही है। तो 28 तारीख मतलब कल 28 तारीख यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। आईपीओ के प्राइस की बातें करें तो 825 रुपये यहाँ पे इसका प्राइस रखा गया था। एंड यहाँ पे जिन लोगों को भी अलॉटमेंट्स हुआ होगा उन लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए हमको देखने को मिल जाएगा आगे फ्यूचर में, यानी कि कल। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड स्टेटस को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल है उन्होंने 5.26 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल की बातें करें तो 1.8 टाइम्स, रिटेल की बातें करें तो 2.90, एम्प्लॉय की बातें करें तो 1.06 टाइम्स, अदर्स की बातें करें तो यहाँ पे अदर्स यहाँ पे नहीं अप्लाई किए हुए। तो टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3.86 टाइम्स यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए हमको देखने को मिल गया है, तो मतलब अधिक सब्सक्राइब है। तो यहाँ पर ये भी देखिए कि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यह सब्सक्राइब आपको बहुत कम देखने को मिला, करीब 4 गुना तक हम बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे आईपीओ की प्राइस की बात करें, मतलब आईपीओ कितने का था, तो अब वो अगर देखेंगे तो करीब 2100 करोड़ के आसपास यहाँ पे आईपीओ का प्राइस आपको देखने को मिला था। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो डोडला डेयरी का आईपीओ था दोस्तों, तो अगर उससे इससे कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए आपको देखने को मिल गई है। एंड यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस आईपीओ में ऐसा लग रहा है कि जैसे ही यहाँ पे लिस्टिंग होगी तो शायद से आपको एक अच्छी खासी बाइंग भी इस आईपीओ में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने शायद वर्ड यूज किया है तो इसलिए कन्फर्म मत समझिए, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो यहाँ पर हम किम्स से रिलेटेड कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी 1973 से आपको देखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम से आप जान सकते हैं कि यह कंपनी यहाँ पे करती क्या है। आप देख सकते हैं कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर ग्रुप ये आपको देखने को मिल जाती है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप हेल्थ केयर कंपनी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इस कंपनी की बात करें देखिए आप प्रोवाइड कराती है मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे कि हेल्थ सर्विस भी था की फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी केयर इन टायर 2-3 सिटीज।
तो आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल्स यहाँ पे जिस तरह की प्रोवाइडिंग करते हैं, सेम उसी तरह की यहाँ पे कंपनी भी हमारी करते हुए हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे हम फाइनेंशियल पे आते हैं कि क्या कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे सकती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जब से यहाँ पे कोविड आया हुआ है दोस्तों, तब से आप कोई भी कंपनी यहाँ पे उठा लीजिए जो कि इस तरह इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिले, जो कि दवाओं से, हॉस्पिटल से, इससे रिलेटेड अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड अगर कंपनी देखने को मिलती है, उसका सब के सब कंपनी में, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो चाहे जैसे भी हो कंपनी, उस सब कंपनी में आपको यहाँ पे अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। एंड यहाँ पर आप देखिए कि हमारी कंपनी का 3 साल का यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिल रहा है, एंड रुपीस इन मिलियंस में यहाँ सभी फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एसेट्स देखिए 1100, फिर 11900, फिर 1400, फिर उसके बाद रेवेन्यू देखेंगे तो 9200, 1100, 200, 1100, 200, फिर 13401। तो आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू और एसेट्स है वो तो बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट अगर देखें जो कि मेन पॉइंट है तो वो भी देखिए, पहले माइनस में 500 मिलियंस था, फिर उसके बाद प्लस में 1150। तो जैसे कोविड आया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है वो माइनस से सीधे प्लस में, मतलब 3 गुना तक यहाँ पर बढ़ते हुए हमको देखने को मिला। फिर 21 में भी अगर बातें करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल होते हुए हमको देखने को मिल जा रहा है 2020 के मुकाबले। सो कंपनी का जो 3 साल का बैकग्राउंड है वो तो हमको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जा रहा है। सो इस बेसिस पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने में यहाँ पर कोई भी बुराई हमको देखने को नहीं मिल रही है, जितने डाटा से यहाँ पर हमको प्रोवाइड है तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अच्छी हमको देखने को मिल जा रही है। सो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट किम्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे के ऊपर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि 19 तारीख की अगर हम बातें करें तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 30 था, 20 को भी 30 आपको देखने को मिल रहा है, 21 को भी 30, 22 की बातें करें तो 40 आपको देखने को मिल रहा है, 23 को 60, फिर 50, 24 को 25 को 70, एंड यहाँ पर देखिए 27 को सीधा यहाँ पे, जो यहाँ पे 25 को ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 26 को अगर हम देखें तो करीब करीब हम बोल सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। आपके सामने ही आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किम्स के IPO की ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे ही हम यहाँ पर हैं। सो जिस तरह से यहाँ पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले 25 से 26 तारीख में यहाँ पे बढ़ा है, उस हिसाब से अगर हम 27 तारीख को बात करें तो यहाँ पे 27 तारीख का डाटा आपको देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 27 तारीख को भी और यहाँ पर बढ़ेगा, मतलब आज यहाँ पर और भी बढ़ेगा। एंड वहीं पर अगर 28 तारीख की हम यहाँ पर बातें करें तो यहाँ पे जो लिस्टिंग है, जो उम्मीद है इस कंपनी से, तो अगर आप देखेंगे तो 825 रुपये का इनका IPO प्राइस है, उस हिसाब से देखेंगे तो करीब हम कह सकते हैं कि करीब 13% के आसपास हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अधिक देखने को हमको मिल जा रहा है। सो 27 तारीख को है, फिर 28 तारीख, मतलब अगर 2 दिनों को मिलाया जाए तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह कंपनी 20-25% तक का यहाँ पे लिस्टिंग आपको दिखा सकती है। जैसा कि यहाँ पे आपने कंपनी का फंडामेंटल्स चेक किया दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद आपको एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल सकती है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें कि कंडीशन अप्लाई है, मतलब मार्केट आपको ठीक देखने को वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मार्केट ठीक देखने को नहीं मिला तो यहाँ पे सेलिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। सो अब यहाँ पे बात होगी उन लोगों की जो इस कंपनी को वहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेश बाय करने वालों को लोग मैं बता दूँ कि अगर आप IPO जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे अगर बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे परफेक्ट टाइम यही, आपको मैं बता दूं कि 10:30 से लेकर के 11:15 तक अगर आप इस कंपनी को यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर कंपनी ऊपर जाएगी तो ऊपर के ही और जाते हुए देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे अगर सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब नीचे की ओर जाएगी तो नीचे की ओर जाते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे इस बेसिस पे आप यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी को बाय करना है या क्या करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे जो किम्स का IPO है वो लगातार यहाँ पे 3 दिनों से बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए हमको देखने को मिल जा रहा है। एंड उम्मीद है कि 28 तारीख को अच्छी खासी यहाँ पे लिस्टिंग आपको दे सकती है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर से उनको लॉटरी लगेगी, उन सभी को शुभकामनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।